good morning everyone as we know that we are doing chapter number 6 that is factors and multiples okay in the last video we have studied about common factors and common multiples so today we'll discuss about numbers so here you can see that four types of numbers are given that is Natural numbers, whole numbers, prime and composite numbers. So let's start first, natural numbers. What are natural numbers? The counting numbers, one, two, three, four, and so on are called natural numbers. Okay? Counting numbers, okay, what is natural? नेचुरल मीन्स होता क्या है नेचुरल मीन्स इट मीन्स नेचर जो कि आपको आपके नेचर में आप देख सकते हो नेचर मीन्स आपके सराउंडिंग जो ये प्राकृतिक आप जैसे बाहर निकलते हो घर से बाहर अपने नेचर में चारों ओर देखते हो यू कैन सी अ लॉट्स ऑफ ट्रीज दें लॉट्स ऑफ हाउसेज दर जब आप उसे काउंट करना स्टार्ट करोगे तो कहीं पर आप वन भी देख सकते हो टू थ्री फोर आप काउंट कर सकते हो जनरली काउंटिंग नंबर्स जो आपके होते हैं काउंटिंग नंबर्स आप कहाँ से स्टार्ट करते हो वन से सेंस आप क्लास यू के जी पी जी नर्सरी के जी से आप काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हो काउंटिंग सीख रहे हो फर्स्ट आप वन टू टेन आपने काउंटिंग लर्न किया था सीखा था देन वन टू ट्वेंटी देन वन टू फिफ्टी देन वन टू हंड्रेड नाउ यू हैव डन योर फाइव डिजिट एंड सिक्स डिजिट नंबर्स अब आप टेन लैक तक भी आप लोग काउंटिंग कर चुके हो मीनस नंबर सिस्टम में आपने इतना कर लिया है ओके okay? तो फाइव uh, डिजिट और सिक्स डिजिट में आप लोग कर चुके हो तो ने जो नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं वो काउंटिंग नंबर वन से स्टार्ट होते हैं तो वन टू थ्री फोर जनरली जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं ओके ओके नेक्स्ट इज़ होल नंबर्स व्हाट आर होल नंबर्स द नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ ज़ीरो जब हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके साथ जब हम ज़ीरो भी इंक्लूड करते हैं ज़ीरो से जब हम स्टार्ट करते हैं दीज आर कॉल्ड दी होल नंबर्स इट मीन्स नेचुरल नंबर तो हमारे वन से स्टार्ट होते हैं वन टू थ्री काउंटिंग नंबर्स जो होता है काउंटिंग नंबर्स कभी भी हम जीरो से स्टार्ट नहीं करते जीरो वन टू थ्री फोर नहीं बोलते हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऐसे ही बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कि काउंटिंग नंबर सुनाइए ओके तो जो होल नंबर होते हैं वो हमारे ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सो ऑन मतलब जीरो से जब आप स्टार्ट करेंगे दीज आर नोन एज दी होल नंबर्स मीन्स जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं इनके साथ हम लोग ज़ीरो भी इंक्लूड करते हैं ज़ीरो भी ऐड कर देते हैं तो ज़ीरो से जब हम स्टार्ट करते हैं तो दीज नंबर्स आर नोन एज दी होल नंबर्स फाइन नेक्स्ट इज़ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज नेक्स्ट यू विल लर्न अबाउट दी प्राइम फैक्ट्राइजेशंस सो लर्न फर्स्ट अंडरस्टेंड फर्स्ट वट आर प्राइम नंबर्स ओके प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जब तक आपको प्राइम नंबर्स के बारे में नहीं पता चलेगा यू कैन सोल्व यू कॉन्ट सॉल्व दी प्राइम फैक्टराइजेशंस ओके सो वट आर प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स अ प्राइम नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन विच हैज ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स नेमली वन एंड द नंबर इट्सल्फ ओके tell me first what are factors earlier i explained factors so tell me what are factors yes factors of a number divide the number completely divide the number exactly okay means जब भी हमें किसी भी नंबर का फैक्टर निकालना होता है तो जब हम उसे डिवाइड करते हैं तो वो एग्जैक्टली exactly डिविजिबल हो जाता है सपोज टू भी हमको अगर फोर का फैक्टर पूछा है राइट डाउन दी फैक्टर ऑफ फोर अगर हमें फ़ोर का फैक्टर पूछा है तो हम फोर चेक करेंगे कि फ़ोर किस किस से डिविजबल होता है मीन मीन्स फोर किस किस की टेबल में आता है इट मीन्स टू मल्टीप्लाइड बाई टू इज़ इक्वल टू फोर टू टू जार फोर इट मीन्स टू फोर डिवाइडेड बाई टू इज़ इक्वल टू 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 ज़ार फोर टू से डिवाइड हो जा रहा है तो टू फोर का फैक्टर है किसी भी डिज़िट से जब हम गिवन डिजिट को डिवाइड करते हैं और वह पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है वहाँ पर हमें रिमाइंडर कोई कुछ भी लेफ्ट नहीं हो रहा है जीरो लेफ़्ट हो रहा है अगर आप फोर को डिवाइड कर रहे हो टू से टू टू जार फोर तो रिमाइंडर इज़ ज़ीरो नथिंग इज़ लेफ़्ट यहाँ पर हमें कोई भी डिज़िट लेफ्ट नहीं हो रही है पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है फोर इट मीन्स द फैक्टर ऑफ फोर इज टू आपका जो फोर का फैक्टर हो जाएगा वो होगा टू ओके सो प्राइम नंबर आर अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन प्राइम नंबर नेचुरल नंबर ही होते हैं जो नेचुरल नंबर अभी आपको एक्सप्लेन किया था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सो ऑन ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं तो प्राइम नंबर भी यही होते हैं नेचुरल नंबर्स ही होते हैं बट ग्रेटर देन वन वन से बड़े होते हैं विच हैज़ ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स जिनके ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं टू से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होते एक तो वन होता है एंड एक नंबर इट होता है नाउ टेल मी ऐसे नंबर आप बताइए जिनका नंबर इट्सल्फ और वन ओनली फैक्टर होगा तो नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं वन से टू थ्री फोर फाइव दीज आर दी नेचुरल नंबर्स इफ़ विल टेक वन अगर हम प्राइम नंबर क्योंकि जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वही हमारे प्राइम नंबर्स भी होते हैं ठीक है बट इन द केस ऑफ़ ग्रेटर देन वन वन से बड़े होने चाहिए जो वन है इससे बड़े ही होने चाहिए प्राइम नंबर वो टू भी हो सकते हैं थ्री भी हो सकते हैं फोर भी हो सकते हैं लेट्स चेक इनको हम अभी चेक करेंगे ओके okay? और दूसरा केस ये है दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक तो वो वन से बड़े होने चाहिए एक वो नंबर एट होने चाहिए मीन्स वो और किसी की टेबल में नहीं आने चाहिए ओके okay? तो वन तो होगा नहीं क्योंकि जो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं वो वन से ग्रेटर होता है तो वन तो आपका प्राइम नंबर नहीं होगा सो so, हम टू से स्टार्ट करेंगे टू आपका प्राइम नंबर है येस बिकॉज टू आपका डिविजिबल है वन से अगर आप टू को वन से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा वन टू जार टू ओके आपका आंसर आ रहा है वन टू जार टू इधर डिविज़न फॉम में अगर आप लिख रहे हो वन से अगर आप टू को डिवाइड कर रहे हो वन टू जार टू सो रिमेंडर इज़ ज़ीरो कम्प्लीटली डिविजिबल है तो आपके जो टू फैक्टर्स हो गए ये हैं जो आपके टू के फैक्टर्स हो गए वन एंड टू हियर, केयरफुली आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आपके जो टू के फैक्टर्स आपको मिले हैं वन एंड टू मिले हैं टू फैक्टर्स मिले हैं ओनली एक तो आपका वन है एंड एक नंबर इट है देखो जो आपसे जो नंबर दिया गया था वही आपका फैक्टर है तो इसीलिए ये दिस इज़ अ प्राइम नंबर इसीलिए ये एक प्राइम नंबर है ओके सो इन द केस ऑफ थ्री राइट डाउन दी फैक्टर्स ऑफ थ्री थ्री के अगर हम फैक्टर्स लिखेंगे तो थ्री एक तो वन की टेबल में आएगा टू की टेबल में थ्री नहीं आता बिकॉज टू वन जार टू 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 जार फोर ग्रेटर डिजिट इट आ गई तो थ्री की टेबल में आएगा एंड फोर की टेबल में नहीं आएगा बिकॉज़ फोर थ्री से बड़ा है तो दिस इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर ये भी आपका प्राइम नंबर हो गया नाउ चेक आउट दी नंबर फाइव नेचुरल नंबर फोर को देख लेते हैं हम लोग तो फोर के अगर हम लोगों को फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो जस्ट चेक आउट द फैक्टर्स ऑफ फोर फोर किस किस की टेबल में आता है येस yes. वन की टेबल में आता है हाउ वन मल्टीप्लाइड बाई फोर इज इक्वल टू फोर नाओ टू की टेबल में आता है टू मल्टीप्लाइड बाई टू इज इक्वल टू फोर नाव फोर की टेबल में आता है फोर मल्टीप्लाइड बाई वन इज इक्वल टू फोर इट मीन्स फोर किस किस की टेबल में आ गया आपका वन की टेबल में आया टू की टेबल में आया एंड फोर की टेबल में आया सो इज दिस अ प्राइम नंबर नो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ थ्री फैक्टर्स क्योंकि इसके टू से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए हैं एट हियर व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट द डेफिनेशन इज सेइंग प्राइम नंबर की जो आपको यहाँ पर डिफाइन किया है क्या बोल रहा है अ प्राइम नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर तो वो है बट इट इज नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन वन से बड़ा होना चाहिए विच हैज़ ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स केवल टू ही डिफरेंट फैक्टर्स होने चाहिए एक तो नंबर वन और एक इट सेल्फ तो फोर के तो यहाँ पर चलो ठीक है नंबर इट सेल्फ भी आया है फोर और वन भी आया है बट टू एक और यहाँ पर ऐड हो गया है एक और यहाँ पर इंक्रीज हो गया है इट मीन्स फोर के आपके थ्री फैक्टर्स हो गए हैं सो दैट दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर सो य वी हैव प्राइम नंबर्स टू थ्री फाइव बिकॉज फाइव भी आपका वन की टेबल में आता है एंड ओनली फाइव की टेबल में आता है ओके नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर्स कंपोजिट नंबर्स मीन्स नंबर्स दैट हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स नंबर्स दैट हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स लेट्स एक इन एग्जाम्पल सिक्स ओके सिक्स पहले हम लोग सिक्स ले लेते हैं एग्जाम्पल सिक्स सिक्स के फाइंड ऑल दी फैक्टर्स ऑफ सिक्स अगर हमको सिक्स के फैक्टर्स हम लोग निकालेंगे तो सिक्स के फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग चेक करेंगे कि सिक्स किस किस की टेबल में आता है सो चेक आउट वन मल्टीप्लाइड बाय सिक्स इज़ इक्वल टू सिक्स टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री इज इक्वल टू सिक्स थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू इज़ इक्वल टू सिक्स ओके अंडरस्टूड एवरी वन अब देखो मैंने आपको अर्लियर आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन जब हमारा रिवर्स हो जाता है नंबर हमने यहाँ पर टू मल्टीप्लाइड बाई स थ्री किया था उसके बाद हमने इसको रिवर्स कर दिया इसको हमने ऑर्डर्स का चेंज कर दिया थ्री को इधर लाया और टू को इधर तो थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू कर लिया है तो अब हम इसके और फैक्टर्स नहीं निकालेंगे स्टॉप कर लेंगे यहीं पर तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम उसके फैक्टर्स लिखना स्टार्ट करेंगे तो पहले हम डाउन इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब काउंटिंग नंबर से स्टार्ट करेंगे वन टू थ्री इंक्रीजिंग छोटे से बड़े की ओर ओके देन वी विल टेक अ यू टर्न उसके बाद हम एक यू टर्न ले लेंगे यहाँ से हमने यू टर्न ले लिया ठीक है तो अब हम सिक्स के अगर हम फैक्टर्स लिखेंगे तो हमें सिक्स के फैक्टर्स कौन कौन से मिले वन टू एंड थ्री उसके बाद हमने यू टर्न लिया टू और थ्री वी हैव रिटर्न ऑल्सो हियर टू और थ्री हमने एक बार लिख चुका है तो हम टू थ्री दोबारा नहीं लिखेंगे लास्ट नंबर इज़ सिक्स ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखे हैं यहाँ पर सिक्स के फैक्टर्स नाउ लुक एट हियर सिक्स के हमें कितने फैक्टर्स मिल गए हैं वन टू थ्री फोर फोर फैक्टर्स मिल गए हमें सिक्स के इट मीन्स इट इज़ अ कॉम्पो कम्पोजिट नंबर इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर इट इज़ कम्पोजिट नंबर क्योंकि प्राइम नंबर्स के ओनली टू फैक्टर्स होते हैं एक तो वन होता है एंड एक नंबर इट्सल्फ होता है जिस नंबर के बारे में पूछा जाता है कि इज दज़ अ प्राइम नंबर तो हम उसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे अलग अलग टू डिफरेंट नंबर से तो या तो वन ही होना चाहिए या तो वो नंबर इट होना चाहिए और कंपोजिट नंबर के केस में जिसके टू से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं सिक्स इज़ अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ फोर फैक्टर्स लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल डैट इज़ एट चलो हम लोग एट ले लेते हैं फैक्टर्स ऑफ एट अब हम लोग एट के फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए तो पहले हम वन से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे वन मल्टीप्लाइड बाई एट इज इक्वल टू वन एट जार एट नाव टू की टेबल में एट आता है टू फोरज आर एट थ्री की टेबल में एट आता है सबको टेबल तो लर्न है टू टू टेन तो सबको आती है ना तो थ्री की टेबल में एट नहीं आता सो चेक फोर फोर मल्टीप्लाइड बाई टू इज़ इक्वल टू फोर टू ज़ आर एट नाव लुकेट ही यहाँ पर भी इसका ऑर्डर चेंज हो गया पहले टू मल्टीप्लाइड बाई फोर था फिर फोर मल्टीप्लाइड बाई टू हो गया ये हमने इस साइड लाया है और ये इस साइड लाया है इसका मतलब हमें इससे आगे को फैक्टर्स अब एट के नहीं मिलेंगे ओके यहीं पर आप स्टॉप आप ये सोचते हो ना कि हमको कैसे हम मल्टीप्लाई करके इसके फैक्टर्स लाते रहेंगे क्योंकि एट के फैक्टर्स के लिए आपको वन से लेके सेवन तक की टेबल पढ़नी पड़ेगी और ये तो छोटी टेबल्स हैं तो आपको इजीली आप पढ़ सकते हो रीड कर सकते हो बट आपको इतना टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप एक स्टेज आपकी ऐसी आती है कि जहाँ पर आपका जब आप मल्टीप्लाई करते हो टू नंबर्स को तो वो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है उस वो रिवर्स हो जाती है ठीक है टू और फोर है ये इस साइड आ जाता है फ़ोर नंबर मीन्स डिज़िट आपस में चेंज हो जाते हैं ठीक है मीन्स उसकी पोजिशन चेंज हो जाती है पहले वाला बाद में चला जाता है और जो बाद वाला होता है वो पहले आ जाता है ये हर जब भी आप फैक्टर्स निकालते हो फाइंड आउट करते हो किसी भी डिज़िट के तो ये हर डिज़िट में ये स्टेज आती ही आती है तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पर ये आपका चेंज हुआ है वहीं पर आपको स्टॉप हो जाना है ओके नाउ वी विल राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे अब वन टू फोर देन टेक यू टर्न फिर यू टर्न ले लो आप तो एक्ट के फैक्टर्स आपको कौन कौन से मिले वन टू फोर टू फोर बिकॉज टू टाइम है तो हम इसे रिपीट नहीं करेंगे नाउ नेक्स्ट इज ऐट फाइव की टेबल में नहीं आता एट सिक्स की भी नहीं आता सिक्स टू जॉ ट्वेल्व होता है जो सबसे स्मॉलेस्ट अगर हम लोग सिक्स वन जॉ सिक्स होगा और जो प्रोडक्ट निकलेगा तो ट्वेल्व हो जाएगा सेवन की नहीं आता स्मॉलेस्ट सेवन हो गया सेवन टू जो फोर्टीन फिर एट की टेबल में आएगा सो so एट के हमें कितने फैक्टर्स मिल गए अगेन हमें सिक्स के भी फोर फैक्टर्स मिले थे एट के भी हमें फ़ोर फैक्टर्स मिल गए इट मीन्स इट इज़ अ कम्पोजिट नंबर ओके सो जनरली नंबर्स दैट हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कम्पोजिट नंबर बहुत सिंपल है नेचुरल नंबर्स आर नंबर्स विच वी काउंट ईजीली काउंटिंग नंबर्स सिंपली यू कैन से दैट जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं दीज आर ऑल्सो नोन एज द नैचुरल नंबर्स एंड होल नंबर होल नंबर्स वैन वी पुट ज़ीरो वैन वी द नेचुरल नंबर्स अलोंग विद ज़ीरो जो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं जब ज़ीरो से वो स्टार्ट होते हैं तो दीज आर ऑल्सो नोन एज दी होल नंबर्स वो होल नंबर्स होते हैं एंड प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स हैव हैज़ ओनली टू फैक्टर्स वन एंड नंबर इट्सल्फ ओके उसके टू फैक्टर्स होते हैं टू से ज़्यादा नहीं होते एंड कंपोज़िट नंबर्स कंपोज़िट नंबर्स हैज़ हैव मोर देन टू फैक्टर्स कंपोजिट नंबर के टू से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं ओके okay? यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझा दिया है ओके स्टूडेंट्स हेयर आर सम पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर नंबर वन इज़ वन इज़ ना प्राइम नॉर कंपोजिट जो हमारा नेचुरल नंबर वन होता है वो ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है प्राइम नंबर क्यों नहीं होता बिकॉज़ वन के हमें टू फैक्टर्स नहीं मिल सकते वन के अगर हम लोग वन किस किस की टेबल में आता है बताओ आप बताएंगे मुझे वन किस किस की टेबल में आता है ओके वन ओनली वन की टेबल में आता है वन मल्टीप्लाइड बाई वन 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 जार वन तो वन के हमें टू फैक्टर्स तो मिल गए हैं बट दीज आर नॉट डिफ़रेंट मीन्स प्राइम नंबर में भी ये है कि हमें टू डिफरेंट फैक्टर्स मिलने चाहिए एक तो नंबर इट ये नंबर एट मिल गया और दूसरा वन होना चाहिए ओनली ठीक है तो डिफरेंट होने चाहिए बट वो नंबर इट भी हो गया और वन भी हो गया दोनों केस तो ठीक है बट लेकिन डिफरेंट नहीं है देखो वन वन जार वन लेकिन ये अलग अलग नंबर नहीं है ओके सो दैट्स वाई और कंपोजिट नंबर इसलिए नहीं है बिकॉज कम्पोजिट नंबर में टू से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए सो इट इज़ नॉट अ नाइदर प्राइम नंबर नॉर अ कम्पोजिट नंबर ओके नंबर टू इज टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो हमारा टू होता है एक्चुअली प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो मोस्टली ऑट नंबर्स होते हैं

Nine. तो मोस्टली जितने भी ऑर्ट नंबर्स होते हैं मोस्टली सारे नहीं बोलूँगी मैं वो आपके प्राइम नंबर्स में भी कंक्लूड मतलब काउंट किए जाते हैं बट टू आपका इवन नंबर भी है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है बिकॉज इट हैज़ ओनली टू फैक्टर्स वन एंड टू ओनली अंडरस्टूड ओके स्टूडेंट्स हियर इज एन एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस सिक्स सी इट मीन्स एक्सरसाइज सिक्स सी so you have to solve all the sums, all the questions वन टू and थ्री in your book. आपको ये आपको अपनी book में ही solve करना है and click the page. आपको इसकी picture click करनी है and upload on अर्सल with your worksheet वर्कशीट में आपको आज definitions लिखनी है जो अभी मैंने आपको समझाया था नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स प्राइम नंबर्स इन कंपोजिट नंबर्स ओके ये आपको सुंदर नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में ये वर्क आपको अपनी मैथ्स की नोटबुक में करना है एंड दिस इज पेज नंबर एट्टी थ्री एक्सरसाइज सिक्स सी ओनली डू इन द बुक आपको केवल कंप्लीट करना है बुक में वेरी इजी क्वेश्चन नंबर वन रिंग द प्राइम नंबर्स अभी आपको एक्सप्लेन किया था वट आर प्राइम नंबर्स तो आपको ये रिंग करने हैं एंड नंबर टू आंसर ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो आपको अभी मैंने नंबर सिखाए हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट लिखनी है ट्रू इधर फॉल्स ओके नाउ नंबर थ्री इज़ फिल इन द ब्लैंक्स ये भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सो जस्ट कंप्लीट क्वेश्चन नंबर वन टू एंड थ्री इन योर बुक एंड क्लिक द पेज ऑफ द बुक एंड अपलोड ऑन अर्सल योर वर्कशीट Okay, see you in the next tutorial class. Bye bye, have a nice day.